दोस्तों आज के एडवांस युद्ध के मैदान में इंसान से ज्यादा मशीन्स भाग ले रहे हैं, और वो मशीन्स जिनमें खुद का दिमाग, जो एआई के टर्म से भी जाने जाते हैं। पिछले दिनों आप कई न्यूज चैनल में सुने भी होंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन फोर्सेस रशियंस के खिलाफ ड्रोन का उपयोग करते हुए, जिससे रशियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब तो कई कैमरा ले जाने वाले ड्रोन्स को कई शादी के बारातों में या कोई फंक्शन में देखे होंगे या इनका उपयोग भी करे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं ड्रोन्स में ही यूक्रेन आर्मी के द्वारा हैंड ग्रेनेड को जोड़कर रशियन वार एसेट्स, जो बेहद ही कॉस्टली आते हैं, जैसे टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इन पे गिराया गया, जिससे इस युद्ध में रशियंस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एडवांस ड्रोन्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारत क्यों इतने एडवांस और इतने महंगे ड्रोन्स को अमेरिका से खरीद रहा है, और ये भी जानेंगे कि वार जोन में इन्हीं ड्रोन्स के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करने से क्या फायदा और ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के एडवांस वार को शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सॉरी, मेरा मतलब था एडवांस वारफेयर को एनालाइज करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो, ये एक स्विच ब्लेड ड्रोन है, जो एक छोटे से बैग के अंदर लिया जा सकता है, और यह युद्ध के मैदान में कितना खतरनाक हो सकता है आप देख पा रहे होंगे, जिसको लॉन्च करने के बाद जमीन से ही एक रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस ड्रोन को यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को देता आया है। इस मामूली से दिखाई देने वाले ड्रोन से ही यूक्रेन फोर्सेस कई रशियन टैंक्स को तबाह किए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के समय में ज्यादातर अटैक्स हो या वार, कॉन्वेंशनल वेपन जैसे फाइटर जेट्स की जगह अब ड्रोन का उपयोग हो रहा है। चाहे वो ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल हो या अलकायदा के लीडर अयमन अल जवाहिरी का, जिनको ड्रोन के माध्यम से ही प्रिसाइजली मारा गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ड्रोन का उपयोग नहीं करती, लेकिन ड्रोन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सर्विलांस यानी दुश्मन की गतिविधि पे नजर रखने वाले, और एक कॉम्बैट मिशन के लिए। भारत भी पीओके के सर्जिकल स्ट्राइक में ड्रोन का उपयोग कर चुकी है, जिससे भारतीय सेना को इन आतंकियों के गतिविधि पे नजर रखने के लिए आसानी हुआ था। अब जो ड्रोन भारत के पास हैं, वो ज्यादातर सर्विलांस के लिए हैं, जैसे डीआरडीओ का अभ्यास, डीआरडीओ रुस्तम, घातक, ये सभी ड्रोन सर्विलांस यानी सिर्फ नजर रखने के लिए बने हैं। लेकिन कॉम्बैट मिशन के लिए वो ड्रोन होते हैं जो हथियार जैसे मिसाइल एमिनेशन को कैरी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन हथियारों के जरिए दुश्मन को तबाह कर सके। और अब के समय में भारत के पास कॉम्बैट मिशन के लिए ना के बराबर ड्रोन मौजूद हैं। अब भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 30 MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन खरीदने वाला है, जिसकी कॉस्ट रॉबली $30 मिलियन तक बताया जा रहा है। MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन MQ-9 रीपर का एडवांस वर्जन है, जो अब के समय में पूरी दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना के 3 विंग, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा उपयोग किया जाएगा। MQ-9B उसके सेंसर्स के लिए जाना जाता है, जो कि कई 100 किलोमीटर से ही दुश्मन को भांप सकता है। इस अत्याधुनिक ड्रोन को आप ऐसे समझें, अब तक अमेरिका इस ड्रोन को सिर्फ अपने नेटो एलाइज को ही बेचता आ रहा था, लेकिन अब भारत की कामयाब फॉरेन पॉलिसी और भारत की बढ़ती ऑरा को देखते हुए अमेरिका इन ड्रोन्स को भारत को देने जा रहा है। और इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, रशिया अपने अपने सबसे बेहतरीन वेपन, जो ये देश कभी भी किसी देश को देने में तैयार नहीं थे, लेकिन अब भारत को ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों अब तक जो आप इस वीडियो के दौरान ड्रोन्स के बारे में जाने हो, वो कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन अब के युग में ऐसे आर्म ड्रोन्स आने लगे हैं जो खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग इन किलर रोबोट्स के लिए तैयार हैं? अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक AI ड्रिवन ड्रोन है, जो खुद ही अपना पाथ यानी टारगेट को सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली टारगेट को फॉलो करता हुआ टारगेट को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस तरीके के ड्रोन्स टारगेट को आइडेंटिफाई करने में गलती कर दें और सीधे ही आपके घर पे गिरे? दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही अफगानिस्तान और यूक्रेन के युद्ध में हो चुका है, जिससे इन देशों में हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं AI पावर टीमिंग क्या है और इस टेक्नोलॉजी को भारत भी क्यों डेवलप कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स का एक टीम होता है, और यह टीमिंग सिस्टम फाइटर जेट्स जिनमें पायलट बैठे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और यह ड्रोन्स हमेशा फाइटर एयरक्राफ्ट के पास में रहने के कारण इस टीम में ज्यादा हथियार मौजूद होते हैं, जिससे फायर पावर बढ़ता है। हमारे देश की संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड CAT यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के नाम से ऐसे ही ड्रोन्स को डेवलप करने में लगा है, और इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अब भारत सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी जो कंपनी इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उन पे इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो।
वो कंपनीज है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट ईयर ही मार्केट में लिस्टेड हुआ है, और रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड जेन टेक्नोलॉजी, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ लिंक पर जाके खोल सकते हो, जिनमें हिडन चार्ज ओपनिंग चार्ज ना के बराबर है और 100% सेफ होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।